हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय किचन। टीना किचन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आपके साथ प्रसाद की बूंदी शेयर कर रही हूँ, जो बहुत ही इजी रेसिपी है। आप घर पर बहुत ही आसानी से फटाफट बना सकते हैं। ये देखिए कितनी रसीली और गोल गोल मोती जैसी बूंदी हम फटाफट बना लेंगे। इसके लिए आप प्लीज़ वीडियो को लाइक कर लें। जिन लोगों ने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आइए इसे बनाना शुरू करते हैं। बूंदी के लिए चाशनी बनाने के लिए मैं यहाँ 1.5 कटोरी चीनी ले रही हूँ। मैंने यहाँ 1.5 कटोरी चीनी ली है। इसी के साथ हम डालेंगे 1.5 कटोरी पानी। सेम मेजरमेंट रखेंगे, 1.5 कटोरी पानी डालना है हमें। इलायची डाल देंगे फ्लेवर के लिए। हमें इसे बिल्कुल नहीं पकाना है, सिर्फ हमें चीनी मेल्ट करनी है। चीनी मेल्ट जैसे ही हो जाती है पानी में, वैसे ही हम गैस की फ्लेम को ऑफ कर देंगे। हमें इसकी कोई चाशनी या गाढ़ी कुछ भी नहीं करना है। चीनी के मेल्ट होते ही, अच्छे से जब चीनी मेल्ट हो जाती है गर्म होने पर, हम इसे गैस की फ्लेम से नीचे उतार देंगे। प्रसाद की बूंदी बनाने के लिए मैंने यहाँ 1 कटोरी बेसन लिया है। बेसन को मैंने दोबारा से छान लिया है। दो पिंच जितना बेकिंग पाउडर लेंगे, 1/4 का आधा, बिल्कुल थोड़ा सा लेना है हमें बेकिंग पाउडर, और बिल्कुल थोड़ा लेना है 2 पिंच के बराबर हमें बेकिंग सोडा, ज़्यादा नहीं लेना है हमें, 1/4 चम्मच से भी आधा। बेसन में अब ऐड करेंगे हम पानी। मैंने यहाँ सेम कटोरी का मेजरमेंट किया है, 1 कटोरी पानी लिया है। मैं पहले आधा डाल रही हूँ। पानी इसमें मैंने ऐड किया है आधा कटोरी, आधा कटोरी पानी बच गया है, हमें पानी और नहीं चाहिए। हम मोटी बूंदी बना रहे हैं, मोटी बूंदी का घोल थोड़ा गाढ़ा रहता है, जितनी बारीक बूंदी बनाते हैं उसका घोल थोड़ा पतला रहता है। इसे हमें 10 मिनट तक कंटिन्यू फेंटना है। अपने हाथों से फेंटेंगे तो और भी अच्छा है। हाथों को अच्छे से वॉश कर लें, उसके बाद कंटिन्यू से फेंटें 10 मिनट तक। मैंने इसे 10 से 12 मिनट तक हाथ से फेंटा है। बहुत स्मूथ पेस्ट बन गया है, आप देख सकते हैं। ये देखिए बिल्कुल भी अटक नहीं रहा, एक तार में गिर रहा है। इस तरह का हमें मुलायम सॉफ्ट पेस्ट बनाना है। ये देखिए कितना अच्छा बैटर बना है हमारा। इसे हम साइड में रख देते हैं। थोड़ा बैटर मैंने कटोरी में निकाल लिया है। इसमें मैं थोड़ा रेड कलर ऐड कर रही हूँ, थोड़ी रेड बूंदी बनाने के लिए। बाकी बैटर में मैं हल्का सा येलो कलर ऐड कर रही हूँ, बिल्कुल हल्का सा कलर, ज़्यादा नहीं करेंगे। बूंदी को फ्राई करने के लिए मैंने यहाँ घी लिया है। मैं यहाँ देसी घी में बना रही हूँ। आप अपनी इच्छा अनुसार ऑयल, घी कोई भी ले सकते हैं। घी को अच्छे से गर्म होने देंगे, मेल्ट कर लेते हैं। ये देखिए चाशनी हमारी बन गई है, चीनी अच्छे से मेल्ट हो गई है इसमें। चाशनी को हम साइड में रख देंगे। ये आपको येलो कलर जो दिख रहा है, इसमें मैंने 2-3 पंखुड़ी केसर की डाल दी है, इसलिए येलो कलर हो गया है, ये ऑप्शनल है। मैं यहाँ बूंदी फ्राइंग स्पून से निकाल रही हूँ। ये देखिए मोटे झारे वाले लिए मैंने यहाँ, आप देख सकते हैं होल इसके मोटे हैं। एक मेरे पास ये थोड़े छोटे होल वाली है, मैं मोटी बूंदी निकाल रही हूँ इसलिए मेरे पास ये मोटे होल वाली है। इसी से निकालेंगे। घी हमारा गर्म होना चाहिए, मीडियम फ्लेम पर कर लेंगे। घी जैसे ही गर्म हो जाता है, लो नहीं करना है घी को। झारे पर हम बैटर को डालेंगे। ये देखिए अपने आप से कितनी अच्छी बूंदी गोल गोल निकल रही है। ध्यान रहे घी ठंडा नहीं होना चाहिए। दोबारा बूंदी निकालने के लिए हम झारे को पीछे से साफ कर लेंगे। ये पीछे जो है बेसन, उसको साफ करके दोबारा से बूंदी निकालेंगे। इसे हम फ्राई कर लेते हैं।
मैं आपको दिखा देती हूँ। ये देखिए बिल्कुल मोती जैसी बूंदी निकल के आई है। ध्यान रहे कि बैटर को आपने अच्छे से फेंटना है। जितना आप अच्छे से बैटर को फेंट लेंगे, जितना स्मूथ आपका बैटर बनेगा, उतनी ही अच्छी आपकी बूंदी बनेगी। बहुत ही इजी रेसिपी है। बूंदी हमारी फ्राई हो गई है, इसे मैं डायरेक्ट चाशनी में डाल रही हूँ। बूंदी को हम चाशनी में डालने के बाद इसे दूसरे बर्तन में निकाल लेंगे। ये अच्छे से डीप हो गई है और चाशनी भी अच्छे से एब्जॉर्ब कर लिया है इसने। आधा मिनट के बाद हम इसे दूसरे बर्तन में निकाल लेंगे। ये देखिए इसी तरह से हम और बूंदी निकालेंगे। ये ध्यान रहे कि पीछे से साफ करके निकालें, नहीं तो बूंदी गोल नहीं निकलेगी। बैटर को फिर से डालेंगे। थोड़ा थोड़ा इस तरह से हिला लेंगे इसे टक करके। ये देखिए थोड़ी मैंने लाल कलर की बूंदी निकाली है। आप देख सकते हैं कितनी मोटी जैसी बूंदी है। आप खुद देख सकते हैं ये बहुत ही अच्छी निकली है, कुरकुरी हो गई है। लेती हूँ, बहुत ही क्रिस्पी है। ये देखिए मैंने सारी बूंदी को निकाल लिया है चाशनी के अंदर से डीप कर करके। आप देख सकते हैं इसे हम थोड़ी देर के लिए इसी तरह से सुखा लेंगे हवा में। खुला खुला चाशनी से निकाल ली है, कितनी रसीली बूंदी बनी है और बिल्कुल गोल बूंदी बनी है। मैं इसके ऊपर डाल रही हूँ मगज के बीज। मेरे पास यहाँ बारीक वाले हैं जो स्वीट्स में डालते हैं, इसे मैंने रोस्ट कर लिया है। थोड़ी इसमें ये डाल दूंगी। अगर आप लोगों को मेरी रेसिपी पसंद आती है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकॉन पर क्लिक जरूर कर लें न्यू मोर रेसिपीज के लिए। हम जल्द एक न्यू रेसिपी के साथ मिलेंगे। धन्यवाद।